गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अरमान सर। रियल मैथ में आपको हमने समझाया था कि चैप्टर वाइज आपको मैथ पूरी हम सिखाएंगे, उसमें आज हमारा चैप्टर चलने जा रहा है चैप्टर 2.2। इसमें हम आपको बताने वाले हैं फार्मूला, फार्मूला बताएंगे, फिर फार्मूला का यूज़ करना भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो पहले आपको हम बताने जा रहे हैं स्क्वायर के फार्मूले। स्टूडेंट, जितने भी हमारे स्क्वायर के फॉर्मूले होते हैं वो फॉर्मूले आपको आज हम बताएंगे, फिर उनके नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसका फॉर्मूले का यूज़ करना सिखाएंगे। देखिए, हमारा पहला फॉर्मूला हमारा आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखा हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सिंपल फार्मूला हमारा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो इसी तरह हमारा दूसरा फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमारा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। दो हमारे फार्मूले हुए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हमारा थर्ड फार्मूला आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या रहा हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होगा हमारा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हमारा ए माइनस बी। सिंपल सा देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में हमारा माइनस होना जरूरी है, अगर माइनस हमारा नहीं रहेगा तो हमारा ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। फोर्थ फार्मूला देखिए हमारा, देखिए हमारा यहाँ पर टू अल्फ़ाबेट है, ओनली ए है और बी है। अगर हमारा थ्री अल्फ़ाबेट आता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, थ्री हमारा अल्फ़ाबेट है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ये हमारा यहाँ टू ए बी हमारा जो है मल्टीप्लाई में है, टू बी इंटू में है, ए बी इंटू में है और बी बी इंटू में है, फिर टू बी सी फिर प्लस टू सी ए। अब देखिए हमारा ये फॉर्मूला, हमारा तो मेन फार्मूले होते हैं, ये अधिकतर हमारा यूज़ होते रहते हैं, मतलब एक दो फॉर्मूले हमारे और हैं जो कहीं कहीं यूज़ होते हैं, उसके लिए आपको बताने जा रहे हैं, उसको समझिए अच्छे से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कन्फ्यूजन ना होइएगा, यहाँ क्या लिखना हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ क्या हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये क्लास टेंथ में यूज होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। और इसी का हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक फार्मूला हमारा और ही होता है, ये हमारा कितना हमारा बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमारा फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। और इसका दूसरा रूप होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ प्लस टू ए बी। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हमारा दो होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी ले सकते हैं हम लोग, और a माइनस बी का होल स्क्वायर तो प्लस टू भी करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा अच्छे से याद होना चाहिए, इतने फॉर्मूले आप याद किए रहेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इसका यूज़ करना आना चाहिए। फॉर्मूला तो बच्चे याद कर लेते हैं, यूज़ कैसे करना है, कहाँ यूज़ करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, उनको नहीं समझ में आता, तो वो बात आज हमको आपको चैप्टर 2.3 में हम सिखाएंगे। चैप्टर 2.3 में आपको हम इतने फॉर्मूले का हम यूज़ करना सिखाएंगे आपको। फॉर्मूला फिर समझ लीजिए हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। फॉर्मूला दोनों साइड से आना चाहिए, ओनली वन साइड से नहीं। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर में कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, या बोल सकते हैं हम लोग इसको भी उल्टा पढ़िए, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी को बोल सकते हैं हम लोग ए प्लस बी का
होल स्क्वायर, जहां ये लिखा वहां इसको ले सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी लिखा है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों साइड से आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, केवल वन साइड से याद ना कीजिए, दोनों साइड से याद कीजिएगा हमारा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा फाइव नंबर, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा दो होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये क्लास टेंथ में यूज होता है, ओके okay? और इसका यूज आपको हम चैप्टर 2.3 में बताएंगे, चैप्टर 2.3 पढ़ना ना भूलिएगा, इसको याद करने के बाद जरूर पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आएगा, यूज करना आ गया तो आपको सोचने मैथ काफ़ी ज़्यादा आने लगेगी। अभी आपको हम स्क्वायर को बता रहे हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको, नेक्स्ट के नेक्स्ट वीडियो में आपको हम 2.4 बताएंगे, आपको क्यूब का फॉर्मूला यूज करना सिखाएंगे। तो इसलिए अगर आपको मैथ सीखना है तो हमारे चैनल से आप टच में रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू दोस्तों।